और चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बात नीट मामले की, जिस पर आज अहम सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यह सुनवाई टल गई। नीट पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीट यूजी मामले पर सुनवाई टल गई है सुप्रीम कोर्ट में। 18 जुलाई तक यह सुनवाई टल गई है और अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए कोर्ट ने समय दिया है। केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर जवाब के लिए याचिकाकर्ताओं को यह समय दिया गया है। बता दें कि नीट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 33 याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई हो रही है। जो याचिकाकर्ता है वो री नीट यानी कि दोबारा से नीट की परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग कर रहे हैं, पिछली परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के लगातार कोर्ट में सवाल जवाब हो रहे हैं, जिरह हो रही है और वहां पर अपने अपना पक्ष सरकार और एनटीए भी रख रही है और याचिकाकर्ता भी रख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को पहले से ही पेपर मिल चुका था, इसलिए ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए।